वेरी गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द CUET ऑफ आडा 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग पीयूष, रितेश, समृद्धि, संभवी, अर्पिता, आदित्य, सब कैसे हैं आप लोग? और जो भी यहाँ पे कैंडिडेट है जो CLAT का दिसंबर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं बच्चे, सो आप लोगों के लिए ये रैंकर बैच बन के तैयार है और ये बैच आप लोगों का 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये बैच आप लोगों का 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। सो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट है जिनको भाई बैच में एडमिशन लेना है तो आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। 20 जुलाई से आप लोग का बैच शुरू है। ठीक है, और आप सब जानते हैं CLAT का एग्ज़ाम कब है। अभी जैसे आप लोग का डेट है 18 दिसंबर 2022, ये आप लोग का CLAT का डेट है। मतलब ये 2023 का पेपर है लेकिन इसी साल हो रहा है। सो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट है, आप ही लोग की डिमांड पे हम लोगों ने ये बैच बनाया है जो कि 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। और इसमें सिर्फ CLAT का ही नहीं क्लास, आप लोग चाहे तो इस बैच में ईजिली IELTS का भी तैयारी कर सकते हैं, अगले साल का SLAT का भी कर सकते हैं, MSCT का भी कर सकते हैं, CLAT का तो है ही, इवन DU LLB, जितने भी आप लोग के लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम है, बिकॉज ये फाउंडेशन बैच है। आप लोगों का इसमें पढ़ाई आराम आराम से 1-2 मंथ में ख़त्म होगा। ठीक है, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो व्हाट्स श्रुतिका, ओके, दैट्स गुड नेम। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों ने देख लिया। सो अगर आपको परचेज करना है तो आप लोग कोड यूज़ करना Y391S और आराम से क्लास को हम लोग ये करेंगे। ठीक है, बिकॉज अभी आप लोग के क्रैश कोर्स हमने बनाए, क्रैश कोर्स आप लोगों ने किया, लेकिन ये है फाउंडेशन बैच, आराम आराम से पढ़ाई होगा सो दैट दिसंबर के एग्ज़ाम में टेस्ट से पहले आप लोग का ये कोर्स फिनिश हो जाएगा और हम लोग सेशन को करेंगे। ओके, चलो गुड मॉर्निंग। सो हम लोग क्या कर रहे थे बच्चे, आज आप लोग का पार्ट 3 है। पार्ट 3 का मतलब क्या है, आप लोग का मॉक पेपर 1 फिनिश हो गया। आज आप लोग का मॉक पेपर 1 फिनिश हो जाएगा और आप लोग मुझे क्लास के बाद बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों के 40 में से किसके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आए, और जिसके 40 आउट ऑफ 40 नहीं आए हैं प्लीज़ मुझसे मतलब कमेंट में आप लोग मत लिखिएगा। ठीक है, सो जिसके 40 आउट ऑफ 40 आए हैं प्लीज़ मुझे कमेंट के बाद आप लोग अपना डिस्कस करना। कल से हम लोग मॉक 2 स्टार्ट कर देंगे। ये आप लोग का मॉक 1 आज ख़त्म हो गया है। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ध्यान से बच्चे, आज मैं एक लीगल फैक्ट लेके आई हूँ, प्रिंसिपल फैक्ट, एक पैराग्राफ भी लेके आई हूँ जिसमें 5 क्वेश्चन है। तो आज हम लोग को मज़ा आने वाला है बिकॉज देखो मॉक पेपर में आप लोग का पैराग्राफ था तो इसलिए मुझे पैराग्राफ भी लाना पड़ा। ठीक है, सो सबसे पहला बच्चे गगन अग्रवाल, अगर आपको ज्वाइन करना है मैं क्लास के लास्ट में बता दूंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे मिस्टर पत्रिक नाम है, इज एन एनिमल स्पेशलिस्ट। मिस्टर पत्रिक क्या है, एक एनिमल स्पेशलिस्ट है बच्चे, हु हेड्स द एनिमल रिसर्च एकेडमी। मतलब ये किसके हेड है, एनिमल रिसर्च एकेडमी के हेड है। देखो बच्चे कभी कभार क्या होता है ना, इतना लंबा पैराग्राफ होता है तो बच्चा डर जाता है कि यार हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक बार ना एक एक वर्ड को पढ़िएगा, आप लोगों को ये सब क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे। उसके बाद AR मतलब जो रिसर्च एकेडमी था, इट इज़ अबाउट टू टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट ड्रग्स। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, एक ड्रग का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसके ऊपर, चिंपांजी के ऊपर। विच इफ सक्सेसफुल, अगर वो एक्सपेरिमेंट जो ड्रग कर रहे हैं, जिस ड्रग का अगर वो सक्सेसफुल हुआ, सो हैड द पोटेंशियल ऑफ बीइंग द चीपेस्ट ड्रग ऑन स्वाइन फ्लू। मतलब स्वाइन फ्लू का ड्रग्स बनाने का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, चिंपैंजी पे किया जा रहा है, और ये जो एनिमल रिसर्च एकेडमी के हेड हैं वो मिस्टर पत्रिक है। ये आप लोग का प्रिंसिपल है। अब कहानी देखते हैं, कहानी क्या है आप लोग का। ऑन रीचिंग द एकेडमी ऑन अ गिवन डे ही नोटिस दैट एक्सपेरिमेंट रूम हैड वाइड एंड डोर्स। मतलब आप लोग का जो एक्सपेरिमेंट रूम का जो डोर था वो बहुत वाइड था। एंड देयर वाज अ चांस ऑफ चिंपैंजी एस्केपिंग इजिली। मतलब उस पत्रिक को दिख रहा है कि जो वहाँ का एक्सपेरिमेंट रूम का जो डोर वोर था बहुत वाइड था और चांस था कि चिंपांजी वहाँ से ईजिली भाग जाएंगे। देखो फैक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ एवर सिंस द एनिमल वॉज नोट्स टाइट सिक्योरली देयर वाज अ लो लाइकलीहुड ऑफ दैट हैपनिंग। लेकिन वहां पे एनिमल्स को इतना टाइटली बांधा गया था और सिक्योरली बांधा गया था कि उनके भागने के चांस कम थे, ठीक है। लेकिन देखो ऊपर के सेंटेंस में दिया है भाग सकते हैं, ओके। When the drugs was administered to the chimpanzee, लेकिन जो ड्रग्स है वो चिंपैंजी को दिया गया एक्सपेरिमेंट के लिए, he went crazy, वो पागल हो गया, and started jumping hastily, और वो मतलब कूदना स्टार्ट हो गया चिंपैंजी, ओके। So his chain broke loose, अब वो कूदने से क्या हुआ, चिंपैंजी जिसमें बंधा था वो जो चेन था वो लूज हो गया, and he escaped the building and caused huge scale of damage to the property and human life। मतलब चिंपैंजी भाग गया और काफ़ी लॉस हुआ जो बाहर के लोग थे। मैं भी चिंपैंजी की तरह कूद रही हूँ। सो बताइए क्लास, मिस्टर पैट्रिक क्या लायबल होगा कि नहीं लायबल होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे, मैंने आपको शुद्ध हिंदी में समझा दिया है, आप लोग भी बच्चे ऐसे ही पढ़ के आंसर्स को सॉल्व करेंगे। सो बताइए श्रद्धा बच्चे, क्या मिस्टर पैट्रिक लायबल होगा कि नहीं होगा? चार ऑप्शन है आप लोग के, सबसे पहले मन में सोचो, नो, यस या येस या नन ऑफ द अबव। पहले नो या येस में आंसर बता दीजिए। येस, हेलो सोनिया, कैसे हो बच्चे? बहुत दिनों बाद देखे सोनिया। सोनिया इज माई पेड स्टूडेंट, शी इज वेरी सिंसियर इन द क्लास। जल्दी जल्दी बताओ, सबका आंसर यहाँ पे धड़ाधड़ 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 आ रहा है। अब देखो आप लोगों ने अगर प्रिया ने, प्रिया दर्शनी, श्रद्धा यादव, सब ने बोला यस 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 यस, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। या तो आंसर ए में हो सकता है या तो आंसर बी में हो सकता है, क्योंकि दोनों में यस लिखा है। अब आपको बच्चे, हेलो निधि, आपको बताना है कि रीजन कौन सा सटीक बैठ रहा है यहाँ पे, बताइए। और यहाँ पे तेजस्वी, अब देखो गगन जी ने बी बोला है। गगन बेटा आपने बी क्यों बोला है? गगन आपने बच्चे बी क्यों बोला है? और देखो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं, आप लोग आंसर देते हो ना बच्चे, तो आंसर सपोज आपने बी लिखा तो रीजन भी लिखा करो। जैसे प्रिया दर्शनी को देखती हूँ, वो एक लाइन का रीजन लिखती है, तो बेटा रीजन लिखोगे ना, आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों का बेनिफिट होगा, मेरा बेनिफिट नहीं होगा। सो वॉट एवर आंसर यू आर राइटिंग, यू हैव टू राइट द रीजन ऑल्सो। श्रद्धा, आई एम एब्सोल्युटली फाइन बच्चे। और यहाँ पे सबका आंसर सही है बच्चे। इस क्वेश्चन का ए इज द राइट आंसर, येस, एज ही फेल टू एक्सरसाइज द रीजनेबल केयर एंड डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है, डू केयर, एंड द डॉक्टर शैल बी गिल्टी ऑफ द नेग्लिजेंस। एग्जैक्टली, सो ये इसका क्या है, ए इज द राइट आंसर, ओके। बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम 2019 कहां से कहां तक? अच्छा ये बताइए कि आप लोगों का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है क्या सिलेबस में? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आप लोगों का अदर लीगल सब्जेक्ट में आ सकता है, तो इसका आप लोगों को ना एक छोटा सा डायग्राम आपको यहाँ पे करना है। जैसे ये आप लोगों का 1986 जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, सबसे पहले 1986 में आया, फिर 2019 में अमेंडमेंट हुआ और 2021 में भी अमेंडमेंट हुआ। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में तीन आप लोग के फोरम होते हैं। एक्सीलेंट निधि, क्या बोला मैंने? जो आप लोगों का ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसका ज्यूरिडिक्शन, उसका क्षेत्राधिकार, जैसे आप लोग का डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, देन स्टेट फोरम होता है और आप लोग का नेशनल फोरम होता है। तो 1986 में डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो आप लोग का ज्यूरिडिक्शन था 0 से 20 लाख था, स्टेट का 20 लाख से आप लोग का 1 करोड़ था और नेशनल का अबव 1 करोड़ था। 2019 में चेंज हुआ, ये आप लोग का अप टू 1 करोड़ हो गया, स्टेट आप लोग का 1 करोड़ से 10 करोड़ हो गया और ये आप लोग का अबव 10 करोड़ हो गया। 2021 में दोबारा चेंज हुआ, आप लोग के ज्यूरिसडिक्शन में दोबारा चेंज हुआ, तो यहाँ पे ज्यूरिडिक्शन फिर से चेंज किया, अप टू 50 लाख आप लोग का हो गया, यहाँ पे 50 लाख से आप लोग का 2 करोड़ हो गया और यहाँ पे अबव 2 करोड़ हो गया। सो बताइए क्लास, आप लोग को मैंने हिंट दे दिया है, आंसर बताइए। यहाँ पे 2019 का बेटा स्टेट पूछ रहा है, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेसिडल्स का ज्यूरिडिक्शन क्या है, क्षेत्राधिकार क्या है। आंसर आप लोग के सामने यहाँ मेंशन है बेटा, अब तो गलत मत बोलिए। और जो भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं आप लोग इसको याद कर लीजिए, बिकॉज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्ट फॉर योर एग्जाम। देखो आंसर आप लोग के सामने है बेटा, स्टेट में, मतलब हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है बच्चे, हम लोग का स्टेट फोरम का पूछा गया है, और कौन से सन का, 2019 का। तो बताइए 2019 का मैंने लिखा तो है, और इसको आप लोग याद कर लीजिए, मे बी जुरिस्डिक्शन का आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ यादव अभिराज ने, गगन ने, बहुत बढ़िया बेटा, ये आप लोग का सी इज द राइट आंसर, 1 करोड़ to 10 करोड़ इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, जो कॉपीराइट है बच्चे, कॉपीराइट बताइए, सपोज किसी ने कोई नया गाना लिखा, किसी ने कोई भी आप लोगों का न्यू बुक लिखा, तो बताइए कॉपीराइट अवेलेबल फॉर द पीरियड ऑफ कितने साल तक उस पे राइट उस पर्सन का होगा जिसने इन्वेंशन किया, मतलब जिसने ये किया। सो बताइए 20 साल, 10 साल, 60 साल या लाइफ टाइम ऑफ द होल्डर एंड 60 ईयर आफ्टर द डेथ। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। और जो भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं आप लोग फटाफट पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, और होप सो आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं डीयू में आ सकता है, ये क्वेश्चन डीयू में आ चुका है, सीयूईटी में आ सकता है, क्लैट में, जो भी आप लोग का लॉ एंट्रेंस एग्जाम है सबके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम क्लैट के लिए एनसीईआरटी एनफ होगी लीगल के? नहीं बेटा, क्लैट के लिए एनसीईआरटी इज नॉट एनफ, बहुत थोड़ा सा पोर्शन दिया है आप लोगों का अगर आप क्लैट के लिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं। सीयूईटी के लिए एनसीईआरटी इज बेस्ट। प्रिया दर्शनी बेटा ध्यान से, कॉपीराइट का बात पूछा है, कॉपीराइट का बात, यहाँ पे जिसने भी एग्जैक्टली डी बोला है बेटा इसको याद कर लेना प्रियादर्शनी, और जो भी यहाँ पे जिन्होंने गलत आंसर दिया है, कॉपीराइट का लाइफ टाइम ऑफ द होल्डर और 60 ईयर आफ्टर द डेथ, ये आप लोगों का क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, मतलब इतने साल तक जिसने भाई चीज़ को लाया है उसका हक होगा, मतलब पैसा भाई इसी को मिलेगा जिसने इन्वेंट किया है। सो डी इज द राइट आंसर, ओके 60 नहीं बेटा, डी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, अब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाज पास्ड, मतलब ये जो आप लोग का एक्ट था प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, बताइए कौन से सन में आया, 2004, 2005, 2006, 2010, बताइए। जल्दी बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। सिद्धि ने बिल्कुल सही बोला बच्चे, जल्दी बताओ। अनीशा, श्रद्धा, एक्सीलेंट बच्चा, जल्दी बताइए बेटा कब। देखो ये तो वुमेन्स को तो याद होना चाहिए, वुमेन्स कम ऑन, कम ऑन गर्ल्स, जल्दी बताओ। डोमेस्टिक भाई, जो भी हमारे साथ डोमेस्टिक वायलेंस करेगा उसको तोड़ देंगे राइट गर्ल्स। और यहाँ पे रितेश 2010 कब से आ गया, लड़कियों का ज़्यादा आंसर सही है यहाँ पे, और लड़कियों यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट 2005 इज द राइट आंसर। एक बार मैं आप लोगों के लिए सेशन लाऊंगी जहाँ पे सिर्फ वुमेन्स के लॉ होंगे, मैं आप लोगों को वुमेन्स के लॉ बताऊंगी, ठीक है गर्ल्स चलो क्लास, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्लास, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, दैट ऑल मर्डर आर culpable homicide but all culpable homicide are not murder, बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। सबका सही है, जल्दी बता दो। ये जो आप लोग का क्वेश्चन है, ऑल मर्डर आर कल्पेबल, मतलब जितना भी मर्डर होता है सब कल्पेबल होमिसाइड है, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। वुमेन्स लॉ लेके आऊंगी, ठीक है, वुमेन्स लॉ। गगन आई एम अ बॉय बॉय के लॉस ज़्यादा नहीं होते ना, गर्ल्स के प्रोटेक्शन के लिए लॉ बहुत होते हैं जल्दी बताइए। मतलब पता है ट्वेल्थ तक मैं भी, अगर मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मैं भी बहुत ट्वेल्थ तक मतलब जैसे नहीं चुप चुप रहने वाला इंसान ऐसे रहती थी, लेकिन जब से मैंने लॉ लिया है आप लोग खुद चेंज देख सकते हैं कि निकिता मैम किस रूप में है। तो लॉ पढ़ने में ना ऐसा चेंज आता है क्योंकि बेटा आप लोग लॉ जानते हो, पुलिस भी कुछ आएगा ना तो पुलिस को लॉ सिखा सकते हो, कोई आईएएस ऑफिसर भी आया उसको भी लॉ सिखा सकते हो, तो लॉ में ऐसी पावर होती है। एग्जैक्टली रितेश, ओके खुराफाती कोई नहीं तुम लेट ही आया करो। हाँ जी बेटा जल्दी बता दो ट्रू है कि फॉल्स है। सेक्शन 299 आप लोगों का है कल्पेबल होमिसाइड, सेक्शन 300 आप लोगों का कहता है दो बात कहता है, एक कहता है कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट्स टू मर्डर, ये मैंने आपको पढ़ाया था, और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर, ये दो बातें कहता है। नॉट अमाउंट्स टू मर्डर क्या है आप लोग का एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन बोले तो आप लोग का कल्पेबल का सजा होगा और ये मर्डर का सजा है। तो बताइए स्टेटमेंट आप लोग का सही है कि गलत, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन आप लोग का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ए इज द राइट आंसर। एग्जैक्टली A is the right answer because of this one, ठीक है? Hope so, जिसने भाई सेक्शन 299, 300 पढ़ा है तो ये स्टेटमेंट आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। आरती भट्ट बेटा जर्नल टेस्ट के लिए नहीं, बेटा जर्नल टेस्ट के लिए नहीं है, ये डोमेन सब्जेक्ट लीगल स्टडी के क्वेश्चंस चल रहे हैं, ठीक है? अब बेटा अब जल्दी से अब बिल्कुल फोकस्ड वे में आइए बिकॉज अब मैं आपके सामने पैराग्राफ लेके आ रही हूँ, ध्यान से। जयदीप बेटा बिल्कुल आपका भी नाम लूंगी। चलो अब देखो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, अब ध्यान से मेरे साथ पढ़ेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? सो चलिए गेट सेट रेडी एंड गो। सेक्शन 41 ऑफ द सीआरपीसी, ये क्वेश्चन आप लोगों का है, सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी। अब मुझे सेक्शन 41 नहीं मालूम होने दीजिए। इट्स प्रोवाइड, अब देखो 41 क्या कहता है, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट a document issued by the legal official authorizing the police to make an arrest, subsection 1 say that whoever commits if the presence of police officer the cognizable of ऑफेंस कैन बी अरेस्टेड विदाउट अ वारंट। मतलब बच्चे इस दोनों पैराग्राफ में कॉग्निजेबल ऑफेंस का बताया गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है कोई भी पर्सन अगर हीनियस क्राइम करता है, कोई भी पर्सन अगर हीनियस क्राइम करता है तो पुलिस बिना किसी वारंट के उस पर्सन को गिरफ्तार कर सकती है। जैसे क्या है, एक पर्सन ने मर्डर किया तो पुलिस ऑफिसर, जैसे पुलिस ऑफिसर का काम होता है मजिस्ट्रेट से साइन कराना, वारंट बनाना, वारंट मतलब डॉक्यूमेंट होता है, उसके बाद उस पर्सन को गिरफ्तार करने जाएगी। लेकिन अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, इसमें पुलिस ऑफिसर बिना किसी वारंट के उसको गिरफ्तार कर सकती है। ये आप लोग का पहला पैराग्राफ है, ठीक है? उसके बाद However, section 41(2) specify that no person concerned in a non-cognizable offense. अब बेटा यहाँ पे किसका डेफिनेशन है? यहाँ पे आप लोगों का नॉन कॉग्निजेबल का ऑफेंस है, और इस ऑफेंस में क्या लिखा है, shall be arrested except under the warrant or order of the magistrate. मतलब जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे, मतलब जो हीनियस ऑफेंस नहीं होगा, उसमें पुलिस को क्या करना है बेटा, पुलिस सबसे पहले वारंट में साइन कराएगा या जब मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आएगा तभी जाके वो पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, ठीक है? और पुलिस के पास ही पावर होता है अरेस्ट करने का। ओके चलो, इन दिस सेक्शन 3 सिचुएशन हैव बीन इंडिकेटेड बिफोर मेकिंग एन अरेस्ट। मतलब इस सेक्शन में आप लोगों के 3 सिचुएशन गिवन है, पुलिस अरेस्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ध्यान देखिए। अगेंस्ट होम रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड, मतलब अगर वो मजिस्ट्रेट के वारंट के अंतर्गत किसी को गिरफ्तार करने जा रही है तो सबसे पहले देखना है कि रीजनेबल कंप्लेंट है कि नहीं है। ये आप लोग का पहला पॉइंट है, रीजनेबल कंप्लेंट होगा तभी तो जाएगा पुलिस वारंट के लिए साइन कराने। और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव, मतलब उस पर्सन के प्रति बिल्कुल ठोस इंफॉर्मेशन मिला है पुलिस को। एंड रीजनेबल सस्पिशन, और भाई जो भी है बिल्कुल रीजनेबल, मैंने सस्पिशियस है कि यही पर्सन ने क्राइम किया है, ये मैं नॉन कॉग्निजेबल का एसेंशियल पॉइंट बोल रही हूँ। दैट इज 1 और ये 2 और ये 3, ठीक है, इफ द अबव सर्कमस्टांस आर प्रेजेंट देन ऑल्सो टू जस्टिफाई द अरेस्ट इट इज नेसेसरी टू फॉलो द कंडीशन एज मेंशन. मतलब अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो नॉन कॉग्निजेबल के ही कंडीशंस हैं जो कि पुलिस को फुलफिल करना है. ओके अब देखिए क्या क्या कंडीशन है. टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, मतलब भाई वो पर्सन दोबारा क्या है ऑफेंस ना कर पाए. फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग द ऑफेंस, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना है. टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपेयर, वो पर्सन एविडेंस को क्या करे टैम्परिंग ना करे और डिसअपेयर ना करे. To prevent such person from making any inducement, threat, promise to any person acquainted with the fact of the case, मतलब वो person किसी और person को डराए धमकाए ना, किसी को influence ना करे. And so unless such person is arrested, his presence in the court whenever required cannot ensure. मतलब जिस पर्सन को पुलिस अरेस्ट कर रहा है उसका प्रेजेंस भी क्या होता है रिक्वायर होता है मजिस्ट्रेट के सामने. ये आप लोग का क्या है उसी पैराग्राफ का, मतलब ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का आप लोग का क्या है रिक्वायरमेंट है. ओके अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है. ये लास्ट पैराग्राफ है. Thus, if any of the above condition have been fulfilled, the police can make arrest. सारी कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तो पुलिस अरेस्ट कर सकता है. विल एप्लीकेबल, और देखो इसका पनिशमेंट कितना होगा, 7 साल का पनिशमेंट है. ठीक है, बिसाइड द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द रीजन राइटिंग फॉर मेकिंग सर अरेस्ट. मतलब अगर पुलिस ऑफिसर किसी को भी अरेस्ट करता है तो उसका रीजन लिखना जरूरी है. लेकिन वुमेन के केस में क्या होता है, द पुलिस ऑफिसर शैल नॉट टच द वुमेन फॉर मेकिंग हर अरेस्ट. वुमेन के केस में पुलिस ऑफिसर वुमेन को टच नहीं कर सकता है अनलेस द पुलिस ऑफिसर इज फीमेल. मतलब अगर किसी लड़की को गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो लेडी पुलिस ऑफिसर होना जरूरी है, तब जाके आप लेडी को गिरफ्तार कर सकते हो. ठीक है, बिसाइड टू अवॉइड दी आर्बिट्ररी अरेस्ट. आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है मनमाना. सपोज पुलिस बिना किसी परमिशन के किसी को अरेस्ट कर रही है, देयर इज आल्सो स्टैट्यूटरी प्रोविजन अंडर सेक्शन 41B दैट एवरी पुलिस ऑफिसर व्हाइल मेकिंग एन अरेस्ट शैल बियर एन एक्यूरेट विजिबल क्लियर आइडेंटिफिकेशन. मतलब पुलिस अगर किसी को अरेस्ट करने जा रही है तो ऐसा नहीं है बिल्कुल गमछा बांध के जा रही है, पुलिस को भी प्रॉपर क्या है अपना जो जैसे आइडेंटिफिकेशन होता है वो दिखना चाहिए कि आप पुलिस ऑफिसर हैं. ठीक है, उसके बाद विल प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट. मतलब पुलिस को अरेस्ट करने में क्या है मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, ये डॉक्यूमेंट होता है वो तैयार करना है. अटेस्टेड बाय द विटनेस फ्रॉम arrested family and respectable member of the locality where arrest is made. मतलब जहाँ भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने जा रहा है ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पुलिस को करना है. किसी लेडी को गिरफ्तार करने जा रहा है या किसी और पर्सन को गिरफ्तार करने जा रहा है, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट या जो अरेस्टी का फैमिली है जिसको हम अरेस्ट करने जा रहे हैं उस फैमिली का भी क्या है साइन वाइन होना ज़रूरी है. ठीक है, तो ये आप लोग का बेटा होप सो बहुत ईजी आप लोग को पैराग्राफ लगा होगा. अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं. आप लोग बताइए पैराग्राफ आप लोग को समझ में आया. अगर मैं इसका कंक्लूजन बताऊं तो बेटा सबसे पहला पॉइंट दिया था कॉग्निजेबल ऑफेंस का डेफिनेशन, दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का डेफिनेशन दिया था, इसमें वुमेन्स के बारे में बताया है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या क्या फॉर्मेलिटीज पुलिस को करना है ये बताया है, और कुछ भी नहीं है पैराग्राफ में. मोहम्मद फैजान बेटा आप लोगों ने अगर सैम्पल पेपर देखा है तो सैम्पल पेपर में आपका पैराग्राफ क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैं पैराग्राफ क्वेश्चन कराऊंगी. एक बार सैम्पल पेपर देख लीजिए उसके बाद बोलिए बेटा. ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, अ नोटिफिकेशन वॉज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विच क्लेरिफाई दैट aiding any convict in hiding or escaping is a cognizable offense. मतलब एक नोटिफिकेशन आया उसमें बोला गया अगर किसी भी कन्विक्ट पर्सन को सहायता की, किसी ने उसको छुपने में उसको भगाने में किसी ने सहायता की तो वो क्या कहलाएगा cognizable offense कहलाएगा according to the principle. ध्यान से, अ कंप्लेंट वॉज फाइल अगेंस्ट चतुर, मतलब चतुर के अगेंस्ट किसी ने कंप्लेंट फाइल किया by one of his neighbor Shashank. किसने फाइल किया? शशांक ने फाइल किया for helping a murder convict in hiding from the police and concealing the incriminate evidence. मतलब उसने क्या केस फाइल किया कि ये जो चतुर है ये हेल्प कर रहा है एक मर्डर कन्विक्ट का छुपने में और एविडेंस को छुपाने में. कंसील का मतलब क्या होता है? छुपाना. ठीक है. द पुलिस ऑफिसर आफ्टर फाइलिंग द कंप्लेंट, पुलिस ऑफिसर क्या है? कंप्लेंट फाइल कर दिया. इमिडिएटली रश टू फाइंड द चतुर, अब चतुर को क्या है ढूंढना शुरू कर दिया. अरेस्टेड हिम एज पर गाइडलाइंस इश्यू अंडर द नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग गिरफ्तार किया. चतुर चैलेंज हिज अरेस्ट ऑन द ग्राउंड दैट देयर इज नो प्रॉपर एविडेंस ही हैड डन एनीथिंग टू हेल्प एनी कन्विक्ट इन दिस वन. तो बताइए क्या चतुर का अरेस्ट लीगल है कि इलीगल है? जल्दी बताइए. अर्पित सिंह बेटा ये पैराग्राफ बड़ा कुछ नहीं है, बहुत इजी पैराग्राफ है, बहुत इजी पैराग्राफ है. बताओ बेटा आप लोगों का जो ये स्टेटमेंट गिवन है और चार ऑप्शन. सबसे पहले बताओ चतुर का अरेस्ट लीगल है कि इलीगल है? बताइए. 36 मैम एक सैम्पल पेपर डीयू का भी. अरे बेटा पढ़ो ना, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग के डीयू वाले भी हैं. कुंदन बेटा पैराग्राफ में गिवन है कि ये जो चतुर था, चतुर क्या कर रहा था? एक मर्डर कन्विक्ट को छुपाने में मदद कर रहा था पुलिस से और एविडेंस को क्या कर रहा था? छुपा रहा था. तो शशांक ने क्या किया? केस फाइल कर दिया, कंप्लेंट फाइल कर दिया. आप सबने बोला लीगल है एंड यू पीपल आर एब्सोल्युटली राइट. बेटा लीगल है इसका मतलब क्या है? यस यस. मतलब आंसर आप लोगों का ए में से हो सकता है या सी में से हो सकता है. अब आप लोग रीजन बताइए. आप सबका सही है लीगल है. बेटा हमें फैक्ट के अकॉर्डिंग देखना है. चतुर बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब फैक्ट में लिखा है तो भाई मानना पड़ेगा. आप जरा आंसर बता दीजिए, जो भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं आंसर बता दीजिए फटाफट. पहले का है यस, चतुर अरेस्ट इज लीगल एज ही वाज हेल्पिंग द ऑफेंडर हु वाज एक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग द एड इन सेल्फ क्राइम व्हिच हैड अरेस्टेड इमीडिएटली अदरवाइज दिस. यस चतुर अरेस्ट इज लीगल एज ही वॉज एक्यूज ऑफ हेल्पिंग द कन्विक्ट इन हाइडिंग फ्रॉम द पुलिस. देखो बेटा फैक्ट के अकॉर्डिंग रीजन को टिक मार्क करना, फैक्ट के अकॉर्डिंग रीजन को टिक मार्क करना है आप लोगों को. ये सब क्वेश्चन आ गए ना तो आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे. और यहाँ पे आप सबका आंसर बेटा सही है. एक्सेलेंट एंड प्राउड ऑफ यू दैट सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर. और जो भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं जो बोल रहे हैं कि मैम CUET में पैराग्राफ क्वेश्चन नहीं आता है, बेटा मॉक पेपर को मद्देनजर रखते ही, उसको देखते ही मैंने हर एक मॉक में मैं एक पैराग्राफ को इंक्लूड करूंगी. ठीक है, बहुत बढ़िया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. सिजुका वॉज द MLA ऑफ ढोलकपुर रीजन. ठीक है, सिजुका क्या थी? MLA थी ढोलकपुर की. हर अपोजिशन पार्टी मेड छुटकी अ लोकल रीडर देयर कैम्पेंजन एम्बेसडर ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड. शी वॉज वेरी पॉपुलर अमॉन्ग द लोकल पब्लिक एंड इट वॉज ईजी टू प्रिडिक्ट दैट इफ शी कंटिन्यू टू कैम्पेन फॉर द सिजुका अपोजिशन पार्टी, सिजुका विल डेफिनेटली लूज द कमिंग इलेक्शन. मतलब देखो दोनों में क्या है? इलेक्शन है, छुटकी वर्सेस सिजुका. और आपका क्या है? सिजुका बिल्कुल हारेगी अगर छुटकी खड़ी हो गई. एक दिन क्या हुआ? छुटकी वॉज किल्ड ऑन हर फार्म. अच्छा, छुटकी को मार दिया गया उसके फार्म में. एंड इट वॉज एलिज्ड दैट सिजुका मर्डर हर. और क्या आरोप लगाया? सिजुका ने क्या किया? उसका मर्डर किया. पुलिस आफ्टर गेटिंग द इंफॉर्मेशन वेंट टू अरेस्ट सिजुका बट शी रिफ्यूज टू कोऑपरेट एंड डिनाइड द एलिगेशन. द पुलिस ऑफिसर फोर्सफुली टुक हर टू द स्टेशन. देखो पुलिस ऑफिसर ने, देखो आंसर आप लोग का यहीं पे कहीं छुपा होगा. द पुलिस ऑफिसर फोर्सफुली टुक हर टू द स्टेशन, लॉकअप इन हर सेल एंड शी फाइल्ड अ पिटीशन अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर फॉर फोर्सफुली मेकिंग हर अरेस्ट टचिंग हर. और मैंने आपको बताया था ना कानून कौन सा है? बींग द मेल ऑफिसर. मतलब उस लेडी ने क्या बोला कि मुझे मेल ऑफिसर ने गिरफ्तार किया है, कंप्लेन फाइल कर दिया. अब बताइए क्लास, ये आप लोग का चार ऑप्शन है. 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन में बताना है कौन आप लोग का सही है, कौन सा आप लोग का सही है स्टेटमेंट। जल्दी बता दो, जल्दी बता दीजिए। नोबिता सिजुका नहीं, जल्दी बताओ इसका एग्जैक्ट आंसर। देखो बहुत इजी है 37 का। पहला है नो पुलिस ऑफिसर शेल टच द वुमेन व्हाइल मेकिंग अरेस्ट इफ शी इज डिनाइंग द सेम एज एक्यूज इज ऑल्सो एंटाइटल्ड राइट ऑफ द बॉडी एंड पर्सनल लिबर्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने कहाँ पे पैराग्राफ में पढ़ दिया। अ वुमेन पुलिस ऑफिसर कैन टच द वुमेन व्हाइल मेकिंग अरेस्ट ओनली इफ द एक्यूज इज नॉट कोऑपरेटिंग एंड दिस वन एग्जैक्टली द मेल ऑफिसर शेल नॉट टच द वुमेन व्हाइल मेकिंग हर अरेस्ट एज इट वुड बी अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। ये कहीं लिखा नहीं है। अ पुलिस ऑफिसर कैन टच द वुमेन व्हाइल मेकिंग हर अरेस्ट इफ द एक्यूज, ये तो बिल्कुल ही गलत है। बताओ सही क्या है इसका, 37 का सही क्या है बेटा, 37 का जल्दी बता दीजिए सही क्या है। जो आप लोगों का यहाँ पे है एज इट इज, उस बेस पे आप लोग को आंसर देना है, उस बेस पे आप लोग को आंसर देना है बच्चे। अपने मन से आंसर मत बताइए। कई लोग का बी आ रहा है, कई लोग का सी आ रहा है। बी क्या है, सेकेंड एंड थर्ड। अ मेल ऑफिसर शैल नॉट टच द वुमेन व्हाइल मेकिंग इफ शी अगेंस्ट डिग्निटी। बेटा डिग्निटी कहाँ वर्ड यहाँ पे गिवन है। इस स्टेटमेंट को देख के द एग्जैक्ट आंसर इज सी इज द एग्जैक्ट आंसर, सी इज द एग्जैक्ट आंसर बेटा, बिकॉज जो स्टेटमेंट है पैराग्राफ है उस बेस पे आंसर देना है ना। तो आप लोगों ने बी कहाँ से बोल दिया। एक्सीलेंट तेजस्वी, बी इज ओनली द राइट आंसर। सिद्धि समृद्धि बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस आर नेसेसरी टू जस्टिफाई द अरेस्ट ऑफ द पर्सन विदाउट वारंट एंड ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। मतलब ये आप लोग का कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में है कि कब पुलिस ऑफिसर बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकता है या ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर, 38 का एग्जैक्ट आंसर। If any credible information has been received against the person for committing a non-cognizable offence, such person shall be arrested to prevent him from making any inducement. Okay, 38. If any reasonable complaint has been filed against the person from committing a cognizable, such person can be arrested to prevent him from committing any further. और देखो यहाँ पे आप लोग का cognizable का है, तो आंसर आप लोग का cognizable में आना चाहिए। जल्दी बताइए। If any reasonable suspicion exists against the person committing any offense तो बिल्कुल नहीं। जो आप लोग का है arrest person without warrant, without warrant मतलब cognizable। तो बताओ cognizable का कहाँ पे आप लोग का statement given है। क्या रीजनेबल कंप्लेंट मिलना चाहिए या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। जल्दी बता दीजिए इसका एग्जैक्ट आंसर, जल्दी बता दीजिए। और कॉग्निजेबल का पूछा गया है बेटा, कॉग्निजेबल का। और यहाँ पे अर्पिता, रौनक, गगन, अनन्या, अनीशा, विशाल, संभवी, एक्सीलेंट बच्चे। बी इज द राइट आंसर। आप लोग खुद ही बता दो, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को हार्ड लग रहे हैं। आप लोगों ने सीआरपीसी नहीं पढ़ा है, सबने सीआरपीसी नहीं पढ़ा, लेकिन तब भी आप लोग सारे सब आंसर सही दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये लॉ मालूम है। एक्सीलेंट। 39 क्वेश्चन। मीशा वॉज अ हैबिचुअल ऑफेंडर, खून करती रहती है, ठीक है, खूनी है। She was involved in many crimes, including the counterfeiting currency. Counterfeiting का मतलब क्या होता है? Duplicate currency बनाना. But she was able to escape from the police everywhere. मतलब ये मीशा कौन है? शाहरुख खान है। मीशा को पकड़ना ना क्या है डायलॉग? मीशा को पकड़ना डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। तो मीशा का भी यही डायलॉग है। Okay. पेनी क्या था? एक पुलिस ऑफिसर था। वाइल शी वॉज ऑन हर हनीमून, अच्छा मैडम ने शादी कर ली, एंड शी वॉज ऑन हनीमून वेकेशन इन गोवा, गॉट एन एनोनिमस फोन कॉल इन्फॉर्मिंग अबाउट मीशाज वेयर अबाउट इन गोवा। मतलब पुलिस को फोन आया कि मीशा जी कहाँ पे है? गोवा में है, गोवा में हनीमून मना रही है। विदाउट एनी डिले एट ऑल शी इमिडिएटली रश टू द प्लेस एंड फाउंड मीशा। क्या हुआ, वो मीशा मिल गई, पकड़ लिया उसने। शी ट्राइड टू अरेस्ट मीशा व्हेन शी रेसिस्टेड, पेनी फोर्सफुली टूक हर टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एंड लॉक्ड। पेनी वॉज लेटर पनिश्ड अंडर सेक्शन 41 ऑफ द सीआरपीसी। बताओ क्यों, 39 का बताइए क्यों। अच्छा, थोड़ा सा पैराग्राफ को याद करना, उसी बेस पे आप लोग का आंसर है। जल्दी बताइए भाई, मीशा हमारी डॉन थी। नीशा, थैंक गॉड शी वाज नॉट नीशा। गुड मीशा, गुड नीशा। बहुत बढ़िया, हाँ हाँ उमेश, बिल्कुल। जल्दी बता दीजिए क्लास, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है 39 का। Penny was not in which is this one because while making the arrest, Penny forcefully arrested Misha, which is prohibited as no police officer touches a woman. This she is denying the same. देखो बेटा, पैराग्राफ को सोच के आप लोगों को आंसर देना है, और ये 41B है। 41B बोले तो आप लोग का क्या है 41B? देखो ध्यान से 41B, यहाँ देखो ध्यान से, मैंने आपको बता दिया 41B में क्या लिखा है। देख लो पहले, फटाफट देख लो 41B का, उसके बाद आंसर देना। अरे बच्चों पहले 41B को देखो क्या लिखा हुआ है। पुलिस का भाई एक्यूरेट क्या होना चाहिए, क्लियर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, ये सब लिखा है 41B में। और आप लोग का क्वेश्चन भी देखो 41B का है। अब तो जरा सही आंसर बता दो, अब जरा मुझे सही आंसर बता दो। मैंने आपको हिंट बता दिया, मैंने आपको हिंट दे दिया। और जो भी यहाँ पे कैंडिडेट है, फटाफट पहले सेशन को लाइक तो करो बाबा, ये क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है। या प्रियदर्शनी, सलोनी, अर्पित, विशाल, कैसा लग रहा है क्वेश्चन? और यहाँ पे सबका अब जाके आंसर सही है, ए इज द राइट आंसर, क्योंकि बेटा हम लोग का फैक्ट गिवन है, दैट्स व्हाई। ओके, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट क्वेश्चन। ऑन 18 फरवरी 2020 को द चीफ मिनिस्टर ऑफ लंका वॉज लिंच्ड बाय अ एंग्री मोब। मतलब जो चीफ मिनिस्टर है लंका का, लंका कोई आप लोग का कंट्री का नाम है, लिंच का मतलब क्या है, भीड़ के द्वारा मारा गया। ठीक है, मारा गया या पीटा गया। ओके, एग्जैक्टली। ड्यू टू हिज डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज अगेंस्ट द सूर्यवंशीज। मतलब क्यों लोगों के द्वारा मारा गया, क्योंकि वो क्या करता था, सूर्यवंशी कम्युनिटी था, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसीज या लॉ बनाता था। ठीक है, ओके। प्रीता, प्रीता कौन है? देखो नाम भी अजीब अजीब से। प्रीता वन ऑफ द लीडर ऑफ द सूर्यवंशी ग्रुप। प्रीता कौन थी, सूर्यवंशी ग्रुप की एक मेंबर थी। वॉज अरेस्टेड ऑन द नेक्स्ट डे फ्रॉम हर हाउस। उसको अरेस्ट कर लिया गया। ऑल्दो शी रेसिस्टेड हर अरेस्ट, वो अपने अरेस्ट का रेसिस्ट कर रही थी। डिमांडेड मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, मतलब उस लेडी ने बोला कि मुझे दिखाओ, पुलिस को बोला कि मुझे मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट दिखाओ, डॉक्यूमेंट दिखाओ। द पुलिस ऑफिसर, शी वॉज नॉट प्रोवाइडेड एनी थिंग एंड वॉज लॉकअप इन अ सेल। मतलब पुलिस ने कुछ नहीं दिखाया, उसको लॉकअप पे बंद कर दिया। शी लेटर चैलेंज हर अरेस्ट इन द कोर्ट, कि ये जो आप लोग का पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया इलीगल है और आर्बिट्रेरी है। तो बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। जल्दी बताइए। अरे हाँ बेटा, लंका श्रीलंका कुछ भी समझो ना। इट्स अ मॉर्दवाज, दिस इट्स अ दनसेना बेटा। DU LLB 2023 का कोचिंग आप लोगों का फाउंडेशन बैच बन चुका है बेटा। मैं आपको अभी क्लास के लास्ट में बता दूंगी। 20 जुलाई से आप लोगों का 2023 का फाउंडेशन बैच शुरू है। जल्दी बताइए क्लास, इसका एग्जैक्ट आंसर 40 का। देखो आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, जैसे मनमाना शासन। तो भाई यहाँ पे पुलिस ने मनमाना शासन किया है। ठीक है, सो बताइए नॉट आर्बिट्रेरी, तो ये बिल्कुल ही गलत है। आर्बिट्रेरी, 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 मतलब तीनों में से अब सही आप लोग का आंसर हो सकता है। और रीजन बताइए 40 का। देखो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट नहीं दिखाया पुलिस ने, तो कुछ आंसर में सर्च करो, कहीं ना कहीं गिवन होगा। आंसर में सर्च करो, आंसर में सर्च कर लो बेटा, कहीं ना कहीं आप लोग का गिवन होगा। और ये देखो सारा पैराग्राफ के ही क्वेश्चंस है। हेलो अमित बेटा, बोलो बोलो बोलो, ध्यान से बेटा। और जो भी यहाँ पे कैंडिडेट है पहले आप लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। और ये आप लोग का आज मॉक 1 फिनिश हुआ। सो प्लीज अपने अपने स्कोर जब क्लास बंद हो जाएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना ताकि मैं आपका चेक करूंगी। और यहाँ पे बेटा आप लोग ये क्या बोल रहे हो, सी बोल रहे हो, प्रीता अरेस्ट वॉज आर्बिट्ररी एज शी वॉज फोर्सफुली दिस वन शी रेसिस्टेड दिस देखा ठीक है। लेकिन जरा डी ऑप्शन को देखो आप लोग, प्रीता अरेस्ट आर्बिट्ररी एज इट वॉज मैंडेटरी फॉर द पुलिस ऑफिसर टू प्रिपेयर द मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट अटेस्टेड बाय विटनेस फ्रॉम द अरेस्टेड फैमिली एंड रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी वेयर अरेस्ट इज मेड। तो बेटा ये चीज़ आप लोगों का पैराग्राफ में गिवन है ना, ये चीज़ आप लोग का पैराग्राफ में गिवन है। सो दैट्स वाई डी इज द राइट आंसर। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। इट्स प्रिया दर्शनी, आदित्य, खुराफाती, सिद्धि, अनीशा, विशाल, बहुत बढ़िया बेटा, डी इज द राइट आंसर। एक्सीलेंट एंड कीप इट अप। सो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं, क्लैट का फाउंडेशन बैच बन चुका है, जिसको अभी DU LLB का कम दिनों में क्रैश कोर्स करना है तो आप लोग ये सिर्फ लीगल का क्रैश कोर्स है, लीगल का बैच ले सकते हैं। और अगर आप लोग को कंप्लीट बैच चाहिए इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर, तो ये आप लोग का कंप्लीट बैच है। अब देखिए अगर आप लोग को जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं जो 2023 का अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली यहाँ पे पहले adda247.com लिखिए, ये क्लिक करिए और यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाओ। ऑल कोर्सेज पे जाके अंडर ग्रेजुएट लॉ एंट्रेंस पे क्लिक करना, क्लैट पे क्लिक करना और क्लैट पे जैसे ही क्लिक करोगे बेटा ये आप लोग का क्लैट 2023 का फाउंडेशन बैच है। ठीक है गगन, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे क्लिक करिए। और जो भी DU का अगले साल पेपर देना चाहते हैं, देखो बेटा ये कॉम्पिटिशन एग्जाम है, ये मत सोचना कि मैं अभी से करूंगा प्रिपरेशन तो ही आप लोग सफलता पाओगे। ठीक है, बिकॉज बच्चे लॉ के लिए 10वीं के बाद से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और क्लैट का तो इस बार बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि दिसंबर में आप लोग का एग्ज़ाम, इसी दिसंबर को एग्ज़ाम होगा 2023 का। तो जिस भी बच्चे को यहाँ पे एडमिशन लेना है आप लोग यहाँ व्यू ऑफर पे जाना, ये 9,999 एक्चुअल फीस नहीं है। और यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करना Y391 और S। जैसे ही Y391S अप्लाई करोगे आप देख सकते हो बच्चे, Y391S अगर अप्लाई करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों का सिर्फ 8,299 ये आप लोगों का 0.17 आप लोग का एक्चुअल प्राइस है, मतलब 8,299 आप लोग का एक्चुअल प्राइस है इसका। और ये बैच आप लोग का 2-3 मंथ तक चलेगा सो दैट आप लोग हमेशा टच में रहेंगे और दिसंबर में आप लोग का एग्ज़ाम है। और इसको कोड मैंने आपको बता दिया है, कोड क्या यूज़ करना है, Y391S ये आप लोग का कोड है। इस कोड को अप्लाई करना, कंटिन्यू पे जाना, कंटिन्यू पे जैसे ही जाओगे आप लोग का पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट करिएगा और आप लोग के पास ID पासवर्ड आ जाएगा, बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच क्लास। आप लोग ऐसे ही क्वेश्चंस को करते रहिएगा और आप लोग का यहाँ पे क्लियर होता रहेगा। ठीक है, सो ये आप लोग का बैच है बच्चे। ठीक है, ये आप लोग का बैच है, सिंपली आप लोग एक क्लैट का बैच ले सकते हैं। और जिसको भाई यहाँ पे क्या करना है, सपोज आप लोग को सिर्फ DU का, सिर्फ लीगल का सिंगल बैच लेना है क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग क्रैश के पॉइंट ऑफ व्यू से बैच को ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी आप लोग का बैचेस हो चुका है, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोग के पास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियोस भी आप लोग सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच।